नमस्कार, आप देख रहे हैं MCD न्यूज़। और जिस तरह चीन लगातार सीमा पर अपनी नापाक हरकतें कर रहा है, लगातार वो हिमाकत कर रहा है, हमारे इस जो चीन भारतीय सीमा के बीच में भारतीय सैनिकों के बीच में जो झड़प हुई है, उसमें करीब 20 भारतीय सैनिकों की शहादत हुई, इसका करारा जवाब देने के लिए भारत ने पूरी तरीके से तैयारी कर ली है। ना केवल सैन्य मोर्चे पर बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी चीन को पूरी तरीके से कड़ा जवाब देने की तैयारी कर ली गई है। खबरें यही आ रही हैं कि भारत ने ये तय कर लिया है कि जो दिल्ली मेरठ रूट पर एक प्रोजेक्ट था, रेलवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट था, इसमें एक चीनी कंपनी को करीब 1126 करोड़ का जो प्रोजेक्ट मिल गया था, अभी 12 जून को ही इसकी फाइनेंशियल बिड खोली गई थी। और इसमें एक चीनी कंपनी चूंकि उसे सबसे कम बोली लगाई थी, सबसे सस्ती बोली लगाई थी, लिहाजा उसे प्रोजेक्ट का एक हिस्सा उस चीनी कंपनी को मिल गया था। लेकिन अब भारत सरकार ने जिस तरह से ये गलवान घाटी पर जिस तरह से लगातार चीन हिमाकत कर रहा है, इसे देखते हुए भारत ने ये फैसला कर लिया है कि चीन को आर्थिक मोर्चे पर भी करारा जवाब दिया जाएगा। खबरें यही आ रही हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है, यानी जो दिल्ली मेरठ रूट पर जो रेल कॉरिडोर में जो एक चीनी कंपनी को प्रोजेक्ट मिल गया था, इस प्रोजेक्ट को रद्द किया जा सकता है। इस समय सरकार सभी जो ये समझौता हुआ था उसके कानूनी पहलुओं पर गौर कर रही है और उम्मीद यही की जा रही है कि भारत सरकार ये सौदा रद्द कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये चीन के लिए बहुत बड़ा करारा झटका होगा और सरकार ने ये तय कर लिया। ना केवल ये तो एक शुरुआत है, जहाँ पर अभी तुरंत जो कि आपको बता दें 12 जून को ये दिल्ली मेरठ जो रेल कॉरिडोर, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनना, उसके एक हिस्से की एक जो फाइनेंशियल जब बिड खोली गई तो उसमें एक चीनी कंपनी जिसका नाम है शंघाई टनल इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, ये जो कंपनी है इसको ये ठेका मिल गया था। ये 1126 करोड़ का ये ठेका था। अब सरकार ने इस तरह के संकेत दिए कि इसके कानूनी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है, शायद ये का रद्द किया जा सकता है। ये बहुत बड़ी खबर है। आइए हम देख लेते हैं कि आखिर ये प्रोजेक्ट क्या था और किस तरह आर्थिक मोर्चे पर चीन को करारा जवाब देने की तैयारी चल रही है। आप बने रहिए MCD न्यूज़ के साथ, हम लगातार आपको खबर दे रहे हैं। चीन जिस तरीके से सीमा पर हिमाकत कर रहा है, भारत ने पूरी तरीके से फैसला कर दिया है कि ना केवल सैन्य मोर्चे पर बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी चीन को कड़ा जवाब दिया जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली मेरठ के बीच एक सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बन रहा है। इस प्रोजेक्ट से दिल्ली में जो के लोग हैं, जो गाजियाबाद होते हुए मेरठ से ये मार्ग जुड़ेगा और करीब ये जो रेल कॉरिडोर है ये 82.15 किलोमीटर का लंबा ये हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है। इस कॉरिडोर में 68.3 किलोमीटर का हिस्सा एलिवेटेड रोड है, जबकि 14.12 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो अंडरग्राउंड बनाया जाएगा। और प्रोजेक्ट से ये जो उत्तराखंड और यूपी जाने वाले लोग हैं उनको बहुत इस प्रोजेक्ट से फ़ायदा होने की उम्मीद है। ये बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है हिंदुस्तान का और भारत इस पर काफ़ी समय से काम कर रहा था और अब तो इसके लिए इस पर काम शुरू हो चुका था। और आपको बता दें 12 जून को जब इसके लिए आवेदन मंगवाए गए थे, 12 जून को इसकी फाइनेंशियल बिड खोली गई, तो चीनी कंपनी है शंघाई टनल इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी STEC, और इस कंपनी को 1126 करोड़ की बोली लगाई थी इस कंपनी ने। और ये सबसे कम चूंकि इसकी बोली थी, लिहाजा इस कंपनी को एक प्रोजेक्ट में एक हिस्सा इसको मिल गया था। लेकिन अब ये तय कर लिया गया है कि अब सरकार इस जो ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था इस कंपनी को, इसके कानूनी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है कि कैसे इस प्रोजेक्ट को रद्द किया जाए। और भारत सरकार ने इस बात के साफ संकेत दे दिए हैं कि ये इस प्रोजेक्ट से चीनी कंपनी को बाहर कर दिया जाएगा, यानी जो ये RRTS प्रोजेक्ट है इसे चीनी कंपनी से छीन लिया जाएगा। ये चीन के लिए बहुत करारा झटका होने वाला। आप बने रहिए MCD न्यूज़ के साथ, हम लगातार आपको ये खबर दे रहे हैं। आज मुख्यमंत्रियों की बैठक को संबोधित करने से पहले प्रधानमंत्री ने भी ये बात की थी कि हम अपने पड़ोसियों को कभी उकसाते नहीं हैं, उनके साथ हमेशा प्रेम और सौहार्द का वातावरण बनाकर हम रखना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई हमारी संप्रभुता पर चोट करता है, हमारी एकता और अखंडता को अगर चुनौती देता है, तो भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है और इस तरह की लोग हिमाकत कर रहे हैं उन्हें कड़ी चुनौती दी जाएगी, उनका कड़ाई से उनका मुकाबला किया जाएगा। ये आज प्रधानमंत्री ने भी आज मुख्यमंत्रियों की बैठक से पहले ये संदेश दिया था, इशारा साफ था कि भारत अब
अपनी सीमा पर किसी भी पड़ोसी मुल्क की हिमाकत और इस तरीके से जो जो उनका व्यवहार है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और संकेत यही मिल रहे हैं कि जो रेल का प्रोजेक्ट था, यानी दिल्ली मेरठ रेल कॉरिडोर में जिस तरह से चीनी कंपनी को एक साझेदारी मिल गई थी, प्रोजेक्ट मिल गया था, इस प्रोजेक्ट को रद्द करने पर विचार कर रही है सरकार। ये बड़ा झटका होगा चीन के लिए। और वैसे भी आपको बता दें, विपक्ष के नेता और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी आज दिन में ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि भारत सरकार को न केवल सैन्य मोर्चे पर बल्कि आर्थिक मोर्चे पर चीन को कड़ा जवाब देना चाहिए, और अगर सरकार ऐसा कोई फैसला करती है तो समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से देश हित में भारत सरकार के साथ है। अब ऐसा लग रहा है कि सरकार ने इस तरह का मन बना लिया कि आर्थिक मोर्चे पर भी चीन को कड़ा जवाब दिया जाएगा। बने रहिए एमसीडी न्यूज़ के साथ, हम लगातार आपको खबर दे रहे हैं। आपको ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये दिल्ली मेरठ प्रोजेक्ट है क्या, किस तरह से इस प्रोजेक्ट से अब जिस यही प्लानिंग हो रही है कि सरकार ने तय किया है कि चीन को इससे, चीनी कंपनी को इससे बेदखल कर दिया जाए। आइए अब देख लेते हैं कि ये दिल्ली मेरठ प्रोजेक्ट है क्या, जिसमें कि चीनी कंपनी को प्रोजेक्ट मिला था, यानी काम मिला था, कि ये क्या प्रोजेक्ट था और किस तरीके से चीन को क्यों ये आखिर प्रोजेक्ट मिला। अभी 12 जून को ये दिया गया है। आपको बता दें, दिल्ली मेरठ के बीच एक सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बन रहा है और इस प्रोजेक्ट से दिल्ली और गाजियाबाद होते हुए मेरठ का रूट यहाँ से जुड़ जाएगा और करीब 82.15 किलोमीटर का लंबाई का ये हाई स्पीड रेल कॉरिडोर रहा है। इस रेल कॉरिडोर का 68.3 किलोमीटर हिस्सा एलिवेटेड, यानी वो जो जमीन के ऊपर से जा रहा है, साथ में 14.12 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो अंडरग्राउंड है, यानी वो जमीन के नीचे से जाएगा। और प्रोजेक्ट से कहते हैं कि जो उत्तराखंड और यूपी जाने वाले लोग हैं उसको बड़ा फायदा होगा। ये बात है, ये हम आपको जो स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं कि दिल्ली मेरठ प्रोजेक्ट आखिर है क्या। और आपको बता दें, इसके लिए टेंडर मंगवाए गए थे और कई कंपनियों ने इसमें अप्लाई किया था, और जो चीनी कंपनी है, इसने जो चीनी कंपनी जिसका नाम है संघाई टनल इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये जो कंपनी है इसने सबसे कम बोली लगाई थी 1126 करोड़ की। और जाहिर सी बात है, इसको एक प्रोजेक्ट का पूरा प्रोजेक्ट के पास नहीं, एक प्रोजेक्ट का एक हिस्सा इस कंपनी को मिला है। और आपको बता दें, 12 जून को इसको ये काम मिला, लेकिन जिस तरह से चाइना लगातार सीमा पर हरकतें कर रहा है, इसलिए सरकार ने ये मन बना लिया है कि इस प्रोजेक्ट को चीनी कंपनी से वापस ले लिया जाए। इसके लिए जो तमाम सारे कानूनी पहलू, उन पर विचार किया जा रहा है। अब ज़्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता चेतन त्रिवेदी। चेतन जी, चीन को आर्थिक मोर्चे पर सबक सिखाने के लिए सरकार की तरफ से क्या योजना है? देखिए, जो हाल फिलहाल में जो घटनाएं सामने आई हैं बॉर्डर पे, उससे देख करके पूरे देश में उबाल है। और मुझे लगता है कि शायद प्रधानमंत्री ने जो आज जो बातें कहीं, वो एक देश का सेंटीमेंट देने की कोशिश करी गई है, क्योंकि पूरा देश लगातार चीन के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा रहा है। लगातार ये आवाज़ें उठ रही हैं कि चीन की चीज़ों का बहिष्कार किया जाए, चीन को आर्थिक मोर्चे पर भी चोट दी जाए। देखिए, एक बात यहाँ समझने की ये भी बहुत ज़रूरी है कि चीन को बहुत बड़ा हिस्सा तमाम सारे देशों से जो वो अपनी सामानों की सप्लाई करता है, उससे उसको आर्थिक मदद मिलती है। तो अब जो तैयारी की जा रही है वो भारत की तरफ से चीन को एक चोट देने की तैयारी की जा रही है। जो प्रयास हो रहे हैं वो एक चीन को अब आर्थिक मोर्चे पर नुकसान देने की बात की जा रही है। देखिए, बहुत बड़ी संख्या में जो बहुत सारे जो देश में यहाँ पर तमाम सारी मोबाइल कंपनियां हैं जो चाइनीज हैं, और उसके अलावा तमाम प्रोजेक्ट्स हैं जो चाइना की कंपनियों को मिलते रहे हैं अभी तक। और हाल फिलहाल में जो ये मामला सामने आ रहा है, जो ये बहुत बड़ा एक जो पहला देश का पहला रैपिड ट्रांजिट प्रोजेक्ट था, ये बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। ये माना जा रहा था जिस तरीके से मेट्रो रेल बनाई जा रही है, उससे भी तेज गति से चलने वाला एक ऐसा सिस्टम डेवलप करा जाए तो दिल्ली एनसीआर को जोड़ सके। और फिलहाल इसकी जो पहली जो शुरुआत हुई थी वो सराय काले खां से मेरठ तक के लिए कॉरिडोर बनाया जा रहा था। ये इसका कुछ हिस्सा एलिवेटेड था और कुछ हिस्सा अंडरग्राउंड था। इसके लिए तमाम सारी कंपनियों ने अपनी बिडिंग जारी दी थी और कुछ इस पर काम शुरू हो चुका है। जो हम आपको विजुअल दिखा रहे हैं, ये गाजियाबाद से सटे साहिबाबाद के हैं, और इसी
उसका एक स्टंच ऐसा है जो न्यू अशोकनगर से साहिबाबाद के बीच में बनाया जाना था। ये तकरीबन 5.6 किलोमीटर लंबी एक टनल थी जो और आनंद विहार में भूमिगत स्टेशन बनाने का काम था। इसके लिए एक टेंडर इशू करा गया था कुछ दिन पहले, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो सूत्र बता रहे हैं उसके हवाले से खबर यही आ रही है। और इस पूरी प्रोजेक्ट को जो इसकी जो बिडिंग हुई थी उसके बाद 12 तारीख को जो ऑनलाइन बिडिंग खोली गई उसमें तमाम कंपनियों ने अप्लाई करा था। जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं, इस हैं जो ये रिपोर्ट्स हैं वो इस तरह की आ रही हैं कि इसमें टाटा प्रोजेक्ट्स ने भी अपना अपना बिड करी थी। इसके अलावा जो बहुत बड़ी कंपनी है देश की L&T है, उसने भी कंपनी अपनी इसमें दावेदारी करी थी। इसके अलावा और एक और दो कंपनियाँ और भी हैं, उन्होंने भी इस पर अपनी बिडिंग करी थी। लेकिन चूंकि ये पूरा हम लोगों का ऐसा आधार है कि जिसकी सबसे कम बिडिंग होती है उसको ही टेंडर दिया जा रहा है, तो ऐसा माना जा रहा है कि जो संघई की कंपनी है इसकी जो बिडिंग थी सबसे कम हुई थी, इसीलिए इस बिडिंग को उस पर्टिकुलर कंपनी की जो संघई की कंपनी है जिसका नाम बताया जा रहा है कि संघई टनल इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड SST EC जी, इसी को पूरा ये टनल का प्रोजेक्ट दिया गया। इसके बाद जो बताया जा रहा है इसके से जो ज़्यादा बिडिंग थी वो टाटा ने लगाई थी, इस तरह की तमाम L&T ने लगाई थी। इसके बाद इस तरह की तमाम सारी कंपनियां थी जिन्होंने बिडिंग करी थी। लेकिन जैसे ही ये खबर, ये चूंकि माहौल पूरा इस समय चीन के विरुद्ध में पूरे देश में बन रहा था, ऐसे में जैसे ही खबर ये प्रधानमंत्री के कानों तक पड़ी, इसके बाद से अब ये साफ संकेत मिल रहे हैं सरकार की तरफ से कि उन तमाम सारे प्रोजेक्ट्स खंगाले जा रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर अभी तक चाइना की कंपनियों को दिए गए, कहाँ कहाँ पर चाइना की कंपनियां काम कर रही हैं। तो अब उनको एक तरीके से तैयारी करी जा रही है कि आर्थिक मोर्चे पर भी उनको चोट दी जा सके, यानी कि आर्थिक जो उनकी मजबूती है उसको भी कम किया जा सके। इसीलिए जो पहली जो चोट है वो ये जो दिल्ली और मेरठ के बीच में जो रैपिड रेल, जो अपने आप में अपने तरह की पहली देश की पहली रेल सेवा है जो बनाई जा रही है, ये रैपिड रेल माना जा रहा है कि 55 मिनट में सरायकाले खां से पहुंच जाएगी मेरठ के लिए। ये बहुत बड़ा लंबा स्ट्रेंच है और इसमें काफ़ी सारे इसमें वो होंगे स्टेशंस होंगे, जो पूरी एक लिस्ट में हम आपको दिखा रहे हैं कि कौन कौन से एलिवेटेड स्टेशंस होंगे, कौन कौन से डाउनवर्ड स्टेशंस होंगे। ये पूरा प्रोजेक्ट था, बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, इससे तमाम सारी उम्मीदें थी, विकास को नई गति की उम्मीदें मिल रही थी। और इसी की जो एक था बनाने के लिए चीन की संघई की जो टनल कंपनी है उसको मिला था, लेकिन अब फिलहाल ये विचार सरकार कर रही है कि उसको कैंसिल कर दिया जाए। देखिए, आपको मालूम है कि चूंकि इतनी बड़ी एक कदम उठाना है इसके लिए तमाम कानूनी पहलू होते हैं, किसी भी टेंडर को देने के बाद उसको कैंसिल करने के लिए इसके पीछे लॉजिक क्या होगा और क्या कानूनी आधार होगा। तमाम सारी ट्रीटी में चूंकि भारत ने साइन कर रखे हैं इसलिए ऐसा कंपल्शंस भी हैं बहुत सारे, इनको सबको ध्यान में रखते हुए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो कानूनी पहलू हैं उसको भी सरकार नज़रअंदाज ना करे। इसीलिए प्रधानमंत्री ने आज जो मुख्यमंत्रियों की बैठक हो रही थी उससे पहले ये साफ इंडिकेशन दिए कि इस तरह के जो तमाम सारे उस अब चीन को दबाव दिया जाएगा। जाहिर तौर पर इन जवाब का सेंस जो है, जो आर्थिक जानकार हैं, जो आर्थिक मुद्दे से जुड़े हुए लोग हैं, उनका यही कहना है कि चीन को बड़ी चोट देने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसको आर्थिक चोट दी जाए। जाहिर तौर पर उसके जो प्रोजेक्ट्स हैं जो देश में चल रहे हैं, बहुत सारी कंपनियाँ लगातार यहाँ पर काम कर रही हैं और उनको टेंडर्स भी भारत सरकार की तरफ से दिए जाते हैं, उस काम को रोका जाए। देखिए, दूसरा पहलू यहाँ पर यह भी है, चूंकि विश्व में बहुत सारे देश हैं और भारत एक बहुत अच्छी छवि का देश रहा है, तो इस तरह के कोई हरकत इस तरह की ना जाए कि पूरे इंटरनेशनल फोरम में देश की कहीं से छवि को दूषित हो। इन सब को बातों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री को अगला कदम होगा। लेकिन जो फिलहाल जो सूत्र हैं वो यही बता रहे हैं कि जो रैपिड रेल ट्रांजिट प्रोजेक्ट था, जो पहला था अपने आप में दिल्ली और मेरठ के बीच में, और अब इस पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। दरअसल इस प्रोजेक्ट का एक हिस्सा, जो एक पर्टिकुलर हिस्सा है, ये 5.5 किलोमीटर का हिस्सा है जो साहिबाबाद से लेकर के न्यू अशोकनगर तक बनाया जाना था, दिल्ली के न्यू अशोकनगर तक, इसके में तकरीबन 5.6 किलोमीटर का जो हिस्सा है इसमें कुछ पार्ट टनल का था और कुछ पार्ट आनंद विहार के पास एक भूमिगत स्टेशन का था। तो ये जो हिस्सा है संघई की कंपनी को मिल गया और ये संघई की कंपनी वो पूरी समय सवालों के घेरे में आ गई। धन्यवाद चेतन जी, आपने बिल्कुल अहम जानकारी दी। और आपको बता दें कि अब भारत सरकार ने ये सोच लिया है कि न केवल सैन्य मोर्चे पर बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी
चीन को सबक सिखाया जाएगा। पूरे देश में चीन के खिलाफ जिस तरह का सेंटीमेंट चल रहा है और कई जगह से इस तरह की खबरें भी आ रही कि लोग चीनी सामान का बहिष्कार करने का फैसला कर रहे हैं, प्रण कर रहे हैं, लोगों में गहरी नाराज़गी है। लोग कह रहे हैं कि अब चीन का सामान हम नहीं खरीदेंगे। जिस तरह से वो भारतीय सीमा के ऊपर हमले कर रहा, भारतीय सीमा के अंदर आने की वो हिम्मत कर रहा, ये बहुत गंभीर मसला है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हमारे अभी तक जो खबरें आ रही हैं कि 20 सैनिकों की शहादत हुई है, चेतन जी ये बड़ी संख्या है, और 1962 के बाद यानी 62 के बाद पहली बार इतने बड़े पैमाने पर ये खून खराबा हुआ है। जाहिर सी बात, जिस तरह से आज प्रधानमंत्री के तेवर थे, उन्होंने कहा कि हम अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ में अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं और हम कभी अपने पड़ोसियों को उकसाते नहीं हैं, लेकिन अगर कोई हमारी एकता, अखंडता, संप्रभुता पर अगर कोई हमला करता है, कोई हमारी संप्रभुता पर को चुनौती देता है, तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि हमारे सैनिक मारते मारते मरे, यानी हमारे सैनिक दुश्मन को सबक सिखाते हुए इस दुनिया से अलविदा कहकर गए हैं, और पूरा देश उन सैनिकों के साथ है, उनके परिवार के साथ है, हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं, और हम ऐसी हिमाकत करने वालों को क्षमा नहीं कर सकते। आपको एक और बड़ी खबर बता देते हैं कि प्रधानमंत्री ने 19 जून को शाम 5 बजे एक सर्वदलीय बैठक भी उन्होंने बुलाई, जिसमें तमाम विपक्षी दलों से बातचीत करेंगे और उनकी सलाह लेंगे, और जो भारत चीन सीमा पर जो ताज़ा अपडेट, उसके बारे में जानकारी देंगे, बताएंगे कि भारत सरकार का क्या स्टैंड है, भारत सरकार किस तरह चीन को जवाब देने वाली है। आज भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने भी आज चीन के विदेश मंत्री से बात की और उन्हें जो भारत का रुख है उससे उनको अवगत कराया है, और ये चीन को भी समझ में आ रहा है कि भारत का रुख बहुत बेहद कड़ा है, बहुत सख्त है, और इस तरह की जो हरकत उसने की है सीमा पर उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आपको बता दें, ये अपने आप में चौंकाने वाला है, क्योंकि लगातार जिस तरह से बातचीत चल रही थी चीन और भारत के बीच में, उस बीच में आकर इस तरह का करना, यानी गलवान घाटी में जो हिमाकत की है, ये अपने आप में बहुत चिंताजनक है, क्योंकि बातचीत के बीच में इस तरह के करना, हमला करना और एक तरह से भारत को उकसाना, ये कितना गंभीर मसला है जीतन जी। देखिए, जो गलवान जो जगह है, जो घाटी है, वो सामरिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी तक जो भारत का लगातार उस जगह पर कब्जा रहा है, लेकिन जो यही विवाद का जड़ बनता जा रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं, जो आर्मी के सूत्रों का कहना है, दरअसल चीन का दावा है कि ये मेरा क्षेत्र है पर्टिकुलर। लेकिन मैं एक बात और यहाँ पर और जोड़ दूँ कि आज भी सैन्य स्तर पर आज सैन्य के जनरल्स हैं, उन कमांडर्स के बीच में लगातार चाइना से बातचीत होती रही, लेकिन इसका भी कोई रिजल्ट नहीं निकला, यानी कि सीमा पर जो तनाव है वो पूरी तरीके से बरकरार है, और ये जो इस हालात हैं वो तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। आज लंबी बातचीत चली थी सेना के मेजर जनरल्स के बीच में, आज जो शुरू हुई थी सुबह भी, वो किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंची। जाहिर तौर पर तनाव जो है वो बरकरार है। उधर दूसरी तरफ भारत के विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि जो भारत में क्षेत्र है वो भारत का ही रहेगा, भारत अपनी सीमाओं पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं बर्दाश्त करेगा, अपने सम्मान से कोई समझौता नहीं करेगा भारत, यह साफ कर दिया गया। ये बहुत इस समय बहुत अहम खबर है जो आपको बता रहे हैं कि देखिए, लगातार चाइना कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से भटकाया जा सके चीज़ों को। सैन्य स्तर की बातचीत हुई, एक तरफ वो बातचीत की बात कहता है, दूसरी तरफ युद्ध के लिए हाथापाई भी करता है। तो आज जो सैन्य मेजर जनरल स्तर पर बातचीत हुई थी, आज सुबह शुरू हुई थी, माना जा रहा था कि इस बातचीत के बाद से दोनों देशों की सीमाओं के बीच जो चला आ रहा विवाद है उसमें नया विराम लगेगा और नए सिरे से दोनों देश फिर एक बार नई रेखा, एक नया इतिहास लिखेंगे, लेकिन ये बात अब देर शाम होते होते ख़त्म हो गई। यानी कि जो बातचीत थी, दोनों मेजर जनरल्स के लेवल्स की जो बातचीत थी, वो बेनतीजा ख़त्म हो गई, और घाटी, गलवान घाटी पर जिस तरह का तनाव पहले था, उस तरह का तनाव लगातार मौजूद है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने विपक्ष के सवाल जो उठ रहे थे लगातार कि आखिर प्रधानमंत्री पूरे देश के सामने आकर के जवाब दें, तो प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि जल्दी वो बैठक करेंगे विपक्ष के साथ, और देश के जो ताज़ा हालात हैं, 19 जून को यह बैठक होगी शाम को 5 बजे, और उसमें जो जिस तरह का विवाद चीन सीमा से हो रहा है, उसके बाद में यथास्थिति के बाद में सरकार उनको अवगत कराएगी, विपक्ष को अवगत कराएगी, और उनकी ही मंशा के साथ
आगे की रणनीति तय की जाएगी। उस तरफ देखिए, दूसरी तरफ जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर, उन्होंने साफ कर दिया है कि चीन के विदेश मंत्री से उनकी फ़ोन पर बातचीत हुई है, दोनों ने गतिरोध को खत्म करने पर अपना जोर दिया है, यथास्थिति सीमा पर बरकरार करने की बात कही है। लेकिन फिलहाल जो अभी दूसरी तरफ जो खबर आ रही है वो ये आ रही है, बहुत अहम खबर आ रही है कि जो सीमा पर जो बातचीत चल रही थी जो मेजर जनरल लेवल पर, वो बातचीत बेनतीजा खत्म हो गई है, यानी कि उस पर कोई रिजल्ट नहीं निकल पाया है। आप बने रहिए एमसीडी न्यूज़ के साथ, हम लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। और बिल्कुल सही फैसला किया गया है कि सरकार ये चाहती है कि ना केवल सैन्य मोर्चे पर बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी चीन को जवाब दिया जाए। और इसी के मद्देनज़र सरकार ने फैसला किया है कि जो अभी फिलहाल जो एकदम लेटेस्ट है, आने वाले समय में भारत इसमें और आगे कार्रवाई कर सकता है। और लगातार जैसे भारत प्रधानमंत्री पहले भी कह रहे थे कि हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा और हमें खुद पर डिपेंड रहना पड़ेगा, और उसी के मद्देनज़र चाहिए। लेकिन जो अभी लेटेस्ट 12 जून को जो प्रोजेक्ट दिया गया था, रैपिड रेल वाला प्रोजेक्ट दिया गया था, उसे फिलहाल भारत चीन से छीन सकता है। ये एक बड़ी खबर है कि वो चीन से छीनने की तैयारी चल रही है, इसके कानूनी पहलू पर विचार चल रहा है। आप बने रहिए एमसीडी न्यूज़ के साथ, हम लगातार आपको ये खबर दे रहे हैं जी। जो देखिए, ये बहुत चूँकि अहम मसला है, चूँकि बहुत पड़ोस में है हमारे देश चीन, और लगातार इस तरह की जो तनावपूर्ण स्थितियां हैं उससे पूरे विश्व में एक नया एक संदेश जाता है, भारत एक शांतप्रिय देश है। और लगातार इस बात को लेकर के वो कहता आ रहा है कि वो किसी तरह किसी भी देश को आँख नहीं दिखाना चाहता है, वो बराबरी के दर्जे के साथ जीना चाहता है। लेकिन ऐसे मौके पर इस तरह की जो हरकतें चीन ने की है, वो कहीं ना कहीं से जो पूरे विश्व का माहौल है, जो एक एशिया में जो शक्ति को लेकर के युद्ध हो रहा है, उसको फिर नए सिरे से दिखाना चाहता है, वो बताना चाहता है कि एशिया में उसके पास सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज साफ कर दिया है कि जो हमारे जवान हैं, जो 20 जवानों ने जो शहादत दी है, उनकी शहादत बर्बाद नहीं जाएगी, उनकी शहादत को बर्बाद भेजा नहीं जाने दिया जाएगा। जाहिर तौर पर उन्होंने कम शब्दों पर बहुत साफ इंडिकेशन कर दिया है कि जिस तरीके से चाइना ने बरबर अपना रणनीति अपनाई है, ये इसका जवाब सही समय पर दिया जाएगा। दूसरी तरफ ये जो चर्चाएं हो रही हैं, वो चीन को आर्थिक मुद्दों पर भी अब तो कमर तोड़ने की बात कही जा रही। इसी को ध्यान में रखते हुए जो तमाम सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं चीन के भारत में चल रहे थे, उनको तय किया जा रहा है कि उनको अब जल्दी से जल्दी वाइंड अप कर दिया, खत्म कर दिया जाए। और फिलहाल शुरुआत इसकी दिल्ली मेरठ रेल प्रोजेक्ट के, रैपिड रेल जो प्रोजेक्ट था, इसके तौर पर देखी जा रही है। आप लगातार बने रहिए हमारे साथ, हम लगातार आपको खबरों से अपडेट कराते रहेंगे, और भी कोई खबर होगी तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।